और मैं तो इसको काफी रेज भी किया मैंने इस कंसर्न को, और मैंने लास्ट टाइम जब मैं सर्विस सेंटर में फर्स्ट सर्विस पे मैं गया था तो मैंने इसको रेज किया था इस इशू को। अभी तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट कार है। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, और आप लोगों से ऐसे ही सपोर्ट की मुझे और रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, आज का वीडियो दोबारा से एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू सिलेरियो 2022 का। सो गाइस, ये कार मेरी खुद की कार है, तो इसका जो भी एक्सपीरियंस है, ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके गाइस, बात करें कार के एक्सटीरियर लुक की, तो कार के एक्सटीरियर लुक को लेके काफ़ी डिबेट चलती है। कई लोगों को इसकी फर्स्ट जनरेशन के लुक ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो कई लोगों को इसकी सेकंड जनरेशन के। जो लुक्स है यार, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इसके ये लुक्स पसंद ना आए, बट अगर मैं बात करूँ आज के टाइम पे, अगर जहाँ सारी कंपनी लुक्स को लेके काफ़ी शार्प लुक्स और कर्विज लुक के साथ कार लॉन्च कर रहे हैं, वहीं मारुति ने इस कार में काफ़ी राउंडेड शेप यूज़ करी है। इसकी हेडलाइट्स को भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आपको राउंडेड शेप में नज़र आएंगी, जो कि आजकल की कार्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यार बात करूँ इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये कार आपको 65 bhp की पावर और 89 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो ये तो रही सारी ऑन पेपर बातें, ये सारी बातें आपको कहीं पे भी किसी भी कार के ब्रोशर्स में पढ़ने को मिल जाएगी। बात करते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, क्या रियल में ये कार अच्छी है या नहीं। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो इसका इंजन कहीं भी लैग नहीं करेगा। आपको कार ड्राइव करते समय कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी कार कहीं भी लैग कर रही है, चाहे फर्स्ट गियर हो चाहे सेकंड गियर हो, कार कभी भी आपको दबी भी फील नहीं होगी। कार को जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे, इसका इंजन काफी अच्छा आपको रिस्पांस देगा। तो गाइस, इस कार में आपको पावर एंड पिकअप की कमी महसूस नहीं होगी। क्लच भी इसका बहुत लाइट है, अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको क्लच में ज्यादा जोर देना पड़ रहा है और आपके लेग में पेन हो रहा है, तो क्लच काफी लाइट है, जो सिटी में आपको ड्राइव करते समय बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएगा। बात करूं इस कार के स्पेस की, तो आती तो ये छोटे सेगमेंट की कारों में से एक है, बट इसमें स्पेस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले मैं मारुति की वैगनार ड्राइव करता था, एंड अगर मैं कंपेयर करूं वैगनार से इसका स्पेस, तो ये स्पेस के मामले में वैगनार से ज्यादा है, बिकॉज इसकी लेंथ एंड विड्थ वैगनार से थोड़ी बड़ी है, तो इसमें आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है। पीछे आप तीन बंदे आराम से बैठ सकते हैं, और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपको थोड़ा कंजेस्टेड फील हो रहा है, तो स्पेस गाड़ी में बहुत है। बूट स्पेस भी गाड़ी में काफी अच्छा है, तो अगर आपको बूट स्पेस यूज कर रहे हो, अगर आप करते हो, मैं तो सिटी में चलाता हूँ नॉर्मली, तो मेरे को इतना बूट स्पेस यूज में नहीं आता, बट अगर आप इसका बूट स्पेस देखोगे तो बहुत अच्छा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड करती है, तो बूट स्पेस को लेके भी गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं हम सबके इम्पोर्टेंट पॉइंट में, जो कहीं ना कहीं इस कार का भी सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है, वो है इसकी माइलेज। तो जैसा कंपनी क्लेम करती है, कंपनी कहती है इंडियाज मोस्ट इकोनॉमिकल कार में से एक है ये, एंड जहां तक कंपनी इसको क्लेम कर रही है, कंपनी इसकी सिटी में जो माइलेज क्लेम कर रही है वो 19 की है, एंड इसकी हाईवे माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 26 की है। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल लाइफ में मुझे ये कितनी माइलेज दे रही है। तो यार, जिस सिनेरियो में या जिस कंडीशंस पे मैं इसको चला रहा हूं ना, मेरी जो ड्राइव है वो सिटी में है, और सिटी में भी मेजरली जो मैं इसको ड्राइव करता हूं वो काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज, गलियों में भी इसको काफ़ी ड्राइव करते हैं हम लोग, और इन एरियाज में भी ये हमारे को जो अभी करंटली माइलेज दे रही है वो दे रही है 19 टू 20। कैन यू बिलीव दिस, 19 और 20 पेट्रोल गाड़ी हमें इंजन दे रही, एवरेज दे रही है ये। सो गाइस, एवरेज के मामले में मैं बोलूँगा ये कार एवरेज के मामले में अभी तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट कार है। इससे बढ़िया एवरेज मुझे और किसी कार में नहीं मिली। और वहीं मैं अगर इसकी बात करूं इसकी हाईवे माइलेज की, तो मैंने इसको दिल्ली से गुड़गांव एक बार मैं ले गया था, उस समय ट्रैफिक कंडीशन थोड़ी कम थी, तो उस समय इसने मुझे 32 की माइलेज शो करी थी, 32 की माइलेज, और मेरे को लगता है यार इनसेन, बहुत ही ज्यादा अच्छी माइलेज है इस कार में। तो माइलेज को लेके इस कार को अभी तक मेरे को लगता है, मेरे पास जितनी भी कार्स थी, तो इसको कोई कार को कोई बीट कर सकता है माइलेज को लेके। बहुत अच्छा माइलेज आपको ये कार देती है। तो अब मैं बोलूंगा यार, ऐसा नहीं है कि इस कार में सब कुछ प्लस ही पॉइंट ही है, इस कार में बहुत कुछ नेगेटिव भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो जैसा हम सब जानते हैं, और ये आई गेस को पॉइंट मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत है, और वो पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। लाइक एवरी अदर कार्स मारुति की, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी हल्की है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में यस, कोई एक्सेप्शनल नहीं है ये कार। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये कार भी बाकी मारुति कार्स की तरह ही है, बिल्ड क्वालिटी इस कार की ज्यादा अच्छी नहीं है।
ठीक है, बात करते हैं इसकी सेकंड चीज की, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है, वो है इसका इंटीरियर में जो प्लेसमेंट्स करी गई है इसके बटन्स की, वो बहुत ही अनयूजुअल है यार। तो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बंदों में। नॉर्मली यार हम अभी तक जितनी भी गाड़ियों में देखते आए हैं बटन्स जो होते हैं वो जिस पोजीशंस पे होते हैं, इस गाड़ी में बिल्कुल अलग पोजीशंस पे वो बटन्स है। तो बार बार बंदा कन्फ्यूज हो जाता है यार, कभी आपको विंडोज डाउन करनी हो कार की तो आप कन्फ्यूज आप ढूंढते रहोगे, और नया बंदा तो इसमें ढूंढता ही रह जाता है कि विंडोज डाउन कहाँ से होती है। तो यार ये चीज है, पता नहीं क्या सोच के ये प्लेसमेंट करी गई है बटन्स की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तो बहुत ही अनयूजुअल प्लेसमेंट है और मुझे ये प्लेसमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। बात करें कार के एसी की, तो इसका एसी मैं बोलूंगा इसका एसी बेस्ट नहीं है, इसका एसी इतना बढ़िया एसी नहीं है इस कार का। तो मुझे इसके एसी वेंट्स भी अगर आप ध्यान दोगे तो इसके एसी वेंट्स का साइज भी काफी छोटा है कंपेयर करें अगर आप बाकी कार से, तो इसका एसी इतना इफेक्टिव नहीं है। तो बात करें इसके एक और नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है इसका स्टेयरिंग फीडबैक। इसका स्टेयरिंग ऑटो रोटेट बिल्कुल नहीं होता गाइस, इसका स्टेयरिंग मैं कहूंगा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कार का स्टेयरिंग है। इस कार का स्टेयरिंग इतना स्टिफ है, आप इसको जिस पोजीशन पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, और मैं तो इसको काफी रेज भी किया मैंने इस कंसर्न को, और मैंने लास्ट टाइम जब मैं सर्विस सेंटर में फर्स्ट सर्विस पे मैं गया था तो मैंने इसको रेज किया था इस इशू को कि भाई इस कार का स्टेयरिंग बहुत ही ज्यादा स्टिफ है। ये एक तो वापस तो बिल्कुल भी नहीं आता, आप जब इसको यू टर्न लोगे या रोटेट करोगे तो ये अपनी ही पोजीशन पे रुक जाता है, वापस ऑटो रोटेट तो ये होता ही नहीं है यार इसका स्टीयरिंग। तो इसको स्टीयरिंग तो मैं कहूंगा इसका बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है इस कार का। गाइस इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है इसकी लाइट्स, इसके हेडलैम्प्स, इसके हेडलैम्प्स का थ्रो भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, हेडलैम्प का थ्रो अच्छा नहीं है, तो उससे रात में विजिबिलिटी काफी आपको नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको अगर आप लेते हो ये कार तो आपको ये चेंज करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज वी ऑल नो कि मारुति में काफी सारे इश्यूज हैं सेफ्टी को लेके। बट बात करूं यार अगर मारुति के इंजन की, तो आई डोंट थिंक सो कि मारुति का इंजन से अभी तक कोई मैच कर पाया है। ये भी एक थ्री सिलेंडर गाड़ी है जैसे कि टाटा पंच है, बट अगर इसका कैबिन नॉइज देखोगे तो इस गाड़ी में जीरो कैबिन नॉइज है यार, आपको कैबिन नॉइज फील ही नहीं होगी जब आप इस कार को स्टार्ट करोगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ यार कि मारुति के इंजन इतने अच्छे रिफाइंड है कि आपको वो फील ही नहीं होता कि आप कोई सी भी कार देखो मारुति की पिक करो तो इंजन बहुत अच्छी तरह से रिफाइन करे यार, आपको वो थ्री सिलेंडर फील भी नहीं होगा कार के अंदर जब आप बैठोगे। तो गाइज ये कार मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। ऐसे में आपसे बोलूंगा कि अगर जब कभी भी आप कोई कार लो तो पहले आप ये क्लियर करो कि आपकी कार से रिक्वायरमेंट क्या है और उसी के बेसिस पे आप अपनी कार सेलेक्ट करो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरीज और कंसर्न दूर करने की, और इसी तरह आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।